यूँ तो बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके लाइफ पार्टनर के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है और उनके साथ इनका कैसा बॉन्ड है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इन स्टार्स की बेटी और दामाद की जोड़ियों से मिले हैं जो कि बहुत अच्छी और परफेक्ट लगती हैं और उनसे ये स्टार्स एक खास रिश्ता साझा करते हैं? अगर नहीं मिले तो चलिए आपको कुछ बॉलीवुड स्टार्स की बेटी और दामाद की जोड़ियों से रूबरू करवाते हैं। नंबर 6, फरहनाज। नसीब अपना अपना फिल्म से बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री फरहनाज की बेटी और दामाद के बारे में बात करें तो असल जिंदगी में इनकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए इनका कोई दामाद भी नहीं है। नंबर 5, हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की दोनों ही बेटियां ईशा और अहाना देओल शादीशुदा हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जहां इनकी बेटी ईशा के पति और हेमा जी के बड़े दामाद का नाम भरत तख्तानी है, जो इनकी बेटी को बहुत खुश रखते हैं। वहीं इनकी दूसरी बेटी अहाना देओल की शादी वैभव वोरा से हुई है, जो हेमा के छोटे जमाई है, जिनके साथ ये एक अच्छी सास होने का फर्ज पूरा करती है। नंबर 4, गोविंदा। चीची के नाम से मशहूर अभिनेता गोविंदा की लाडली बेटी टीना आहूजा की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए इनका कोई दामाद भी नहीं है। नंबर 3, पद्मिनी कोल्हापुरी। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा गाने से घर घर फेमस हुई अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की अपनी कोई बेटी नहीं है, इसलिए इनका कोई दामाद भी नहीं है। पर हाँ, ये बेटी प्रियांक शर्मा की माँ है, जिनकी पत्नी साजा मोरानी की ये बहुत अच्छी सास बन चुकी है। नंबर 2, सुनील शेट्टी। बॉलीवुड के अंदर सुनील शेट्टी की लाडली बेटी आतिया शेट्टी की भी शादी तो नहीं हुई है, पर हाँ, वो जल्दी फेमस क्रिकेटर केएल राहुल को अपना जीवन साथी बनाने जा रही है, जिनकी जोड़ी लाखों में एक लगती है। और अब अन्ना अपनी बेटी की जल्द ही डोली सजाने वाले हैं, जो अपने होने वाले दामाद को अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। नंबर 1, काजोल। इन दिनों काजोल और अजय देवगन की खूबसूरत बेटी न्यासा देवगन अपने हमदम वेदांत महाजन को डेट कर रही हैं, जो बहुत जल्द ही देवगन परिवार के जमाई बनने वाले हैं। हालांकि इनका रिश्ता भी अभी पक्का नहीं हुआ है कि वेदांत को जमाई वाला दर्जा सास काजोल से मिलने लगा है। वेल दोस्तों, इनमें से किनकी बेटी और दामाद की जोड़ी आपको सबसे बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।